दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. जो आपकी जानकारी है उसके बाद अभी कोई नया मामला नहीं आया है और अब तक के जो पुराने चार मामले जो आप लोग बता रहे हैं वो चारों मामले हमारे जो पुराने जो साथी थे मोची मोहल्ला के जिनको हमने फर्स्ट डे सैंपल किया था और उसके बाद में जो क्वारंटीन गए उसके रिपीट टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं तो वो भी कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि वो लंबे टाइम से आइसोलेशन में थे और उन्होंने अब तक कोई ऐसा कोई लक्षण भी नहीं है. तो रिपीट टेस्ट कभी कभी इंक्यूबेशन पीरियड को जो क्रॉस करते हैं जब आ जाता है पॉजिटिव तो उनको लेकर भी कोई चिंता वाली बात नहीं नज़र आती है. अच्छी बात यह है कि अब तक हमारे पास जो एक्टिव केस जिसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है वो सिर्फ 116 ही रह गए हैं. अजमेर में एक्टिव केस 116 हैं और हमारे काफ़ी मतलब आप मानिए आप हमारे 120 पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं हमारे यहाँ से कुल मिला के और जो काफ़ी सारे मरीज़ हमारे जो हैं वो वहाँ से क्वारंटीन सेंटर से भी डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं यानी कि पूर्णतः कोरोना मुक्त हो चुके हैं. हमारे ने अभी तक भी हमें कोई विशेष नुकसान हमें नहीं हुआ है. कुल मिला के 5 मरीजों को हमने खोया है लेकिन वो 5ों मरीज़ उनका कुछ ना कुछ कारण रहा एस सच कोरोना की वजह से कोई भी हमने अभी तक अगर माने तो विशेष जनहानि हमारी नहीं हुई है. जो पालरा में वो जो पालरा का पेशेंट है जो रिको एरिया का है उसके हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है. वो भी कोई ट्रैवलर ही है जो भी अभी तक की मिल रही जानकारी में कि वो प्रवासी है उसकी वजह से ऐसा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है. शाम तक हम आपको उसको बोलिए अपडेट कर देंगे. कुल आंकड़ा आपने कितना जोड़ रखा है? 43 में 6 और जोड़ दीजिए फिर आप. हमारे अस्पताल में अब तक कुल 244 मरीज़ पॉजिटिव आ चुके हैं जिसमें कई अन्य जिलों के भी लोग व्यक्ति शामिल हैं और कुल मिला के हमने 5 लोगों को खोया है जैसे मैं बता चुका हूँ और उनमें से कोई एस सच मैंने बता चुका हूँ कि हमारे एस सच कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोरोना की वजह से डेथ हुई. कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी रही थी. एक तो अनफॉर्चुनेट बच्ची हमारे पास में आई जब तक ही शांत हो चुकी थी. और अच्छी बात यह है कि हमारे जो क्वारंटीन सेंटर से भी 34 लोग पूर्णतः ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है और ईश्वर ने चाहा तो और भी जल्दी ये संख्या बहुत बढ़ेगी क्योंकि अब जो हमारे मरीजों के ठीक होने की रफ्तार काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बस हम जो कुछ व्यक्ति तो हमारे इस वजह से अटके हुए हैं कि जैसे माँ और बच्चे साथ साथ हैं. 2 माह की बच्ची है, माँ और माँ भी है तो माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव है, बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन दोनों को हम साथ ही भेज सकते हैं. पिता ने मना कर दिया कि बच्चे को मैं नहीं रख पाऊँगा. इस चक्कर में हमारे कई सारे मरीज अभी भी रुके हुए हैं. 10-11 मरीज ऐसे हैं जो एक व्यक्ति है उनका भतीजा जो है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है. बोले मैं बिना भतीजे के नहीं जाऊँगा. इस तरीके से है वो नहीं जाना चाहते हैं. तो बहुत जल्दी ये संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी हमारी डिस्चार्ज होने वाली और वहाँ से घर जाने वाली संख्या भी बढ़ जाएगी. अभी तक की स्थिति हमारे लिए अच्छी है, चीज़ें कंट्रोल में हैं और ईश्वर ने चाहा तो ये संख्या हम और भी अच्छी ऊँचाइयाँ प्राप्त कर पाएंगे.